हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई न्यूज के नई वैसे नहीं रही अब Realme 2 Pro के अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पहले से आया हुआ है और मैंने इसे अपडेट नहीं किया था, तो यहां पर मैं दिखा देना चाहूंगा आपको। सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो मेरा जो करंट वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो कहां पे लिखा हुआ है भाई, वो यहां पे नहीं शो कर रहा है। खैर, हम इसे कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे करते हैं। ओके, अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया और 1.27 MB पर सेकंड की स्पीड जो है आ रही है एयरटेल से। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि इस नए अपडेट में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे लर्न मोर पे हम जब तक क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो रिटेन वर्जन इन्फॉर्मेशन ये है कि दिस वर्जन ऑप्टिमाइज कैमरा इफेक्ट्स एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर, यानी कि ये आपके कैमरा के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएगा। किस लेवल पे बनाएगा तो वो मैंने कुछ कैमरा के सैंपल्स अभी ले लिए हैं और अपडेट के बाद मैं फिर से कैमरा सैंपल ले लूंगा और वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसके अलावा ये अपडेट करने वाला है ऑप्टिमाइज कैमरा इफेक्ट इन लोकल एंड थर्ड पार्टी कैमरा एप्स, यानी अदर कैमरा एप में जो है वो फीचर को और इन्हांस करेगा, एडवांस लेवल पे ले जाएगा। ऑप्टिमाइज रेजोल्यूशन रेशियो फॉर कैमरा स्टिकर्स, तो कैमरा स्टिकर्स की जो रेजोल्यूशन रेशियो थी उसको इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, बेहतर बनाया है। अपडेट ईमेल एड्रेस एंड द सर्विस इन्फॉर्मेशन, यानी ईमेल एड्रेस और जो सर्विस इन्फॉर्मेशन है उन सबको अपडेट किया है। चेंजेस कुछ हुए हैं, ब्लॉक बैनर्स टू नो नोटिफिकेशन अलर्ट्स, यानी ब्लॉक बैनर जिन जो है उसको नो नोटिफिकेशन अलर्ट्स के अंदर इन्होंने सेट कर दिया है। इसके अलावा एड्स एक कॉरेस्पॉन्डिंग आइकन ऑन स्टेटस बार, और इसके लिए एक स्पेशल आइकन इन्होंने लगा दिया है जो कि स्टेटस बार में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एड अ फंक्शन दैट एक्टिवेट्स गूगल असिस्टेंट बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑफ 0.5 सेकंड्स, यानी अगर आप पावर बटन थोड़ा सा मतलब एक सेकंड के लिए इस तरह से प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो है असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बस यही चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। तो मेरा अपडेट 165 MB का था और अप्रोक्सीमेटली पूरा जो है डाउनलोड हो गया है और ये इस फोन का आई थिंक के दूसरा अपडेट है। दूसरा मेजर तो नहीं है, माइनर अपडेट है। मेजर अपडेट एंड्रॉयड इसके अंदर अगला एंड्रॉयड 9 यानी एंड्रॉयड पाए आएगा कि नहीं आएगा, अभी इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मुझे देखने को नहीं मिली है। अगर आता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट मतलब वीडियो बना के या फिर अपनी कम्युनिटी टैब में बता दूंगा। उसके लिए आप अभी से चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो नोटिफिकेशन एग्जैक्टली टाइम पे मिल जाए और आप भी अपने फोन को अपडेट कर पाए। तो मोबाइल डेटा मैं यूज कर रहा हूं, 1.2 MBPS की स्पीड आ रही है, टावर मेरे घर के बिल्कुल बगल में है इसलिए मोबाइल में टावर एकदम फुल है और ये अपडेट हो गया। अब सिंपली आपको यहां पे एक बटन दिखेगा अपडेट नाउ, टेलीनॉर का टावर में मैसेज क्यों आ रहा है। खैर, अपडेट नाउ बटन पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये वेरीफाई करेगा अपडेट फाइल को कि वो ओरिजिनल है या नहीं, उसके बाद रिबूट प्रोसेस में जाएगा जहां के सारा अपडेट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे इसके बारे में मैं एक और बात बता दूं, ऐसा करते वक्त आपका फोन अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, चार्ज पे ध्यान रखना और नेट से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि एक बार वो अपडेट को वेरीफाई करता है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिख के आ रहा है कि अपडेटिंग, प्लीज वेट, प्लीज डू नॉट प्रेस, प्लीज डू नॉट डू एनी अदर ऑपरेशन, यानी कुछ और मत करो। और आई थिंक यहाँ 4 मिनट लिख रहा है, आई थिंक ये 4 मिनट से पहले जो है अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं वीडियो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं ताकि मैं जो हूं कुछ और भी कर सकूं और वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं जो है पॉज कर रहा हूं और जैसे ही ये खत्म पर होगा मैं फिर वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो यहां पर जो है अपडेट इंस्टॉल हो चुका है और फोन जो है रीस्टार्ट हो रहा है, Realme का लोगो फ्लैश हो रहा है और अब इसमें यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। आई थिंक के 2-3 मिनट लगा इंस्टॉल होने में और अब रीबूट हो रहा है तो रीबूट में भी 1-2 मिनट लग जाएगा, तो मैं वीडियो रोक ही देता हूं ताकि लंबी ना हो। ओके दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है यहाँ पे हो चुका है और अब आप देखोगे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर क्या लिख के आ रहा है। तो कलर ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड, दिस इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन RMX 180 IEX 11 A.06, ये अपडेट है। और फीचर्स मैंने आपको इसके पहले ही बता दिए थे कि इस अपडेट में जो है बेसिक जो फीचर है, दो फीचर जो मुझे कहीं ना कहीं सही लगा है वो है ये पावर बटन वाला कि अगर आप इसको दबाते हैं 5 सेकंड तक तो ये देखो ऑन हो गया,
टर्न ऑन अवेकिंग गूगल असिस्टेंट बाय प्रेसिंग द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड्स। तो यहाँ पे हाउ टू अवेक असिस्टेंट, प्रेस एंड होल्ड द बटन फॉर 5 सेकंड्स एंड हाउ टू होल्ड द बटन फॉर 3 सेकंड्स, होल्ड डाउन बटन एंड अप वॉल्यूम बटन सबमिशन फॉर 10 सेकंड्स। तो इस तरह के दो चार ऑप्शन है। लाइक यहाँ पर देखोगे अब गूगल असिस्टेंट जो है ओपन हो गया है और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट अब वर्क करेगा। ओके तो जैसा कि आपने देखा ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट है। और अब अगर बात करते हैं हम कैमरा की, तो क्या कैमरा सैंपल इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। इसके अलावा चलो मैं कैमरा सैंपल लेके आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो ये शॉट देखो, ये पोर्ट्रेट मोड पे लिया हुआ है जो अभी मैंने रियर कैमरा से लिया है आफ्टर अपडेट, और मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर अपडेट पोर्ट्रेट मोड। तो आफ्टर अपडेट एंड बिफोर अपडेट कोई खास फर्क मुझे देखने को नहीं मिला रेयर के पोर्ट्रेट में, और रेयर का नॉर्मल शॉट का अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी मुझे कोई भी फर्क देखने को नहीं समझ में आया। अगर फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं तो ये मैंने अभी फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट लिया, ये भी फ्रंट का पोर्ट्रेट था और ये फ्रंट का नॉर्मल था, ये भी फ्रंट का नॉर्मल था। अब मैं आपको पुराना दिखाता हूं, ये फ्रंट का नॉर्मल था, ये फ्रंट का पोर्ट्रेट था, ये फ्रंट का नॉर्मल था पोर्ट्रेट था सॉरी ये भी पोर्ट्रेट था, ये भी पोर्ट्रेट था। और यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं इतना ज्यादा गोरा तो भाई बचपन में हुआ करता था, फिर दोबारा से हो गया, ये सब रियलमी का जलवा है और कुछ नहीं है। तो यहां पर जो कलर है एक्चुअली मेरे शर्ट का कलर भी सही नहीं आ रहा है जो एक्चुअल कलर था, और फेस को तो एकदम उजला बना दिया है जबकि मैंने ब्यूटी मोड यूज नहीं किया था। और आफ्टर अपडेट जो है वो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मतलब आफ्टर अपडेट भी वही हाल है कैमरा का। तो कैमरा के मामले में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है अपडेट में। जैसा इन्होंने बताया था कि ये कुछ स्टिकर्स में अपडेट करेंगे तो सिर्फ उतना ही किया है, और आई थिंक फ्यूचर अपडेट्स के साथ कैमरा भी अपडेट हो जाएगा और कैमरा का भी जो इश्यूज है वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी फोटो आ रही है और आप देख सकते हो किस तरह के स्टिकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो स्टिकर जो है वो सही से फॉलो करता है मुझे, स्टिकर का रेशियो जो था वो सही नहीं था तो वो ठीक हो गया है, और ये मिला जुला के एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके ऐसी ही वीडियो सबसे पहले। रियलमी 2 प्रो पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर कार्ड्स में है, तो आप कहीं से भी जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और एम करते हैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स की, आई होप आप लोग कर लोगे, अब देखते हैं कि आगे आप लोग क्या करते हैं।